स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKGU यूनिवर्सिटी के चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जामिनेशन और सेमेस्टर 21-22 सेशन के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, कुछ के आ भी गए हैं रिजल्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बैक लगी है या मार्क्स कम है, वो स्टूडेंट्स अपना चैलेंज का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी किया है 21-22 परीक्षा जो 28 दिसंबर 2021 से लेकर के 17 जनवरी 2020 के बीच में हुई थी। यह सर्कुलर उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनके एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, यानी कि 22 मार्च 2022 से शुरू हुए हैं। यह उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम्स हमारे 28 दिसंबर 2021 से लेकर 17 जनवरी 2022 तक हुए थे। छात्रों के फल परीक्षा फल घोषित भी हो चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी चैलेंज इवोल्यूशन करवाना चाहता है, यानी कि अपनी कॉपी को फिर से चेक करवाना चाहता है, तो उसको भरने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार यह आप परीक्षा जो है चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म या रिजल्ट आने के 30 दिनों के अंदर ही भर सकते हैं, यानी कि परीक्षा समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्र उत्तर पुस्तिका को 30 दिनों के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना होगा, जो भी स्टूडेंट अपनी किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी को देखना चाहता है तो उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपये पे करने होंगे कॉपी देखने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी AKGU ERP के ऑप्शन पर जा करके चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना होगा कॉपी देखने के लिए। तो उसमें आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपये पे करना होगा। उसके बाद जब आप अपनी 300 रुपये पर सब्जेक्ट पे कर देंगे तो उसके बाद ही आपकी जो कॉपी होगी वो आपके लॉगिन पर अपलोड कर दी जाएगी। अगर स्टूडेंट्स उसमें मार्किंग और अपने लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स को देख करके अगर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह स्टूडेंट 45 दिनों के अंदर वापस से चैलेंज मूल्यांकन का आवेदन कर सकता है। उसी के साथ में लॉगिन पर उत्तर पुस्तिका देखने हेतु 26 मार्च 2022 से लेकर के 25 अप्रैल 2022 तक चैलेंज मूल्यांकन किया जाएगा। उसके साथ है 26 मार्च 2022 से 10 मई 2000 तक प्रभावी होगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स को अपना चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म भरना है तो वह स्टूडेंट 26 मार्च 2022 से लेकर के 25 अप्रैल 2022 तक चैलेंज का कॉपी देख सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में जो चैलेंज एवोल्यूशन का रिजल्ट होगा वह डिक्लेयर होगा, या फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वह 26 मार्च 2022 से लेकर के 10 मई 2022 तक फिलअप किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।